देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, ठीक है? क्या इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है? और ये क्लास हर किसी के लिए, चाहे बच्चा यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है, या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, नहीं भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीखना है, उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है, ठीक है? इंग्लिश को बिल्कुल हम जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है? इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, जिस तरह हम हिंदी बोलते हैं उसी तरीके से इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है? जैसे हम हिंदी में ग्रामर पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश ग्रामर, लगभग हम हिंदी की ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसका हम यूज़ नहीं करते। अगर हम इंग्लिश का यूज़ रोज़ करें तो हमें भी ग्रामर इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ग्रामर से कोई भी लैंग्वेज अगर बोलनी है, परफेक्ट बोलनी है, लिखनी है, तो उसे हमें, उसके लिए हमें उस जो भी लैंग्वेज है उसके ग्रामर का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको सही लिख पाएंगे, ठीक है, सही बोल पाएंगे। सही बोलने लिखने के लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? उस लैंग्वेज के ग्रामर का, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज होती है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसमें क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, ठीक है। इस इंग्लिश में भी 26 लेटर हैं, कितने लेटर हैं? 26 ए टू जेड, सभी ने पढ़ा होगा अभी तक, ठीक है, ए टू जेड, ये हमारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। इन्हें दो डिवाइड कर देते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट, ठीक है, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में, ठीक है। बात करते हैं कि आगे कैसे चलती है इंग्लिश, तो ये लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड, क्या? वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये लेटर्स ही मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं? वर्ड्स का। जैसे हमने ले लिया, तीन लेटर ले लिए, पी एन और ई ले लिया, ठीक है, तो इससे हमने एक लेटर, देखो इस तरह हमने किया, ठीक है, एक हमने ये लिया पी ई एन, ठीक है। देखो वर्ड क्या होगा? ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है, क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंग, अर्थ भी निकलना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं है इसलिए ये वर्ड नहीं है, इसका एक अर्थ है इसलिए ये क्या है? मीनिंग है, अर्थ है, मीनिंग है इसका, इसीलिए क्या है? वर्ड है, ठीक है। जब वर्ड मिलते हैं तो वर्ड मिलकर के फ्रेज क्या बनाते हैं? फ्रेज, ठीक है, टू और मोर देन टू वर्ड्स मेक फ्रेज, ठीक है। दो और दो से अधिक वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं? फ्रेज। देख जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऑन टेबल, ठीक है, ऑन टेबल, ये हमारी क्या है? फ्रेज है। कई प्रकार की फ्रेज होती हैं, फ्रेज का वीडियो अलग स्टार्ट करेंगे, वहाँ बताएंगे फ्रेज क्या होता है। यहाँ सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन हो रहा है। सबसे पहले क्या है? लेटर्स आए, वॉवेल एंड कंसोनेंट होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ए टू जेड, ठीक है। ये लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। ये वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज क्या होता है? देखो टू और मोर टू वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ टू और मोर, मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है, मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है, ठीक है, बट इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ऑन टेबल, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, टेबल पे क्या है कोई अर्थ पता नहीं हमको, ठीक है। फ्रेज की तरीके एक क्लॉज होते हैं, ठीक है, क्या होता है? क्लॉज होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लेना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें सिंगल आइडिया होती है, क्या होती है? सिंगल आइडिया, सिर्फ एक ही भाव निकलेगा, ठीक है, बट जो क्लॉज होता है
ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है, ठीक है। क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। इसका भी कंप्लीट मीनिंग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या इसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उपवाक्य, ठीक है। क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सॉरी फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हो गई फ्रेज। सबसे पहले लेटर्स आए, फिर लेटर से वर्ड्स बने, वर्ड से फ्रेज और क्लॉज बने, ठीक है। और ये क्लॉज और फ्रेज वर्ड्स ये सब मिल करके क्या हमारा बनाते हैं, सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है। हम लोग मेन स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से, ठीक है। सेंटेंस हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं, वाक्य। देखो सेंटेंस क्या होता है, आ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, शब्दों का समूह है, ठीक है। That makes complete sense by itself, ठीक है, जिसका खुद में एक कंप्लीट मतलब होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जिसका कंप्लीट का कंप्लीट मीनिंग होता है, सेंस होता है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमने लिखा गोराम, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसका कोई मीनिंग है नहीं है। जाता राम, हिंदी में समझ लेते हैं जाता राम, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं ना। सेंटेंस क्या होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, पैटर्न होता है, क्या किस तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे को हमने लिख दिया राम गो, राम जाता है, हमने क्या लिख दिया, राम गो, ठीक है। हमने लिखा राम गोज टू मार्केट, हमने क्या लिखा, राम गोज टू मार्केट। राम कहाँ जाता है, बाजार जाता है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, सेंटेंस है, ठीक। राम बाजार जाता है, हमें कंप्लीट जानकारी मिल रही ना इससे, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। और सेंटेंस में नोट करने वाली बात ये होती है, सेंटेंस नोट, सेंटेंस हमेशा ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी सेंटेंस की, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और एंड, ठीक है, और इसके एंड में क्या, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट मीनिंग है, जैसे राम गोज टू मार्केट, ठीक है। इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, ये क्या है, हमारा सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस में नोट, पहली बात तो क्या होती है, सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और एंड, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, ये साइन हमारे सेंटेंस के बाद में आएंगे, ठीक है। तो इतनी बात हुई हमारा सेंटेंस क्या है, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेंटेंस में, वो हमने बात की, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं टाइप्स ऑफ